हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे इस नए चैनल विजन एजुकेशन पे। मैं अनलिमिटेड एजुकेशन से अभिजीत कुमार और यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। ध्यान से सुनना, ये आपका हिंदी में है। इंग्लिश मीडियम वालों, मैंने आपका बीके सिंह का एक्सरसाइज 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीट कर दिया है। अब हिंदी मीडियम वाले का डिमांड है तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो ये है आपका टेस्ट सीरीज 1 का टेबल टेस्ट। अब आप लोग बोलोगे सर टेस्ट सीरीज 1 का क्या मतलब है, तो 50 टेस्ट सीरीज है, सभी लोगों को पता होगा 50 टेस्ट का सीरीज है, जिसके बारे में अगर आपको जानना है आप लोग डिस्क्रिप्शन देख लेना या ये वेबसाइट विजिट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। तो वहां से मैंने टेबल टेस्ट का क्वेश्चन उठाया है। टेस्ट सीरीज 1 में टेबल टेस्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्तंभ ए से स्तंभ 5 तक किस स्तंभ में केवल 2 अक्षर 1 से अधिक बार आया है। स्तंभ 1 से लेकर के स्तंभ 5 तक किस स्तंभ में केवल 2 अक्षर 1 से अधिक बार आया है। 2 अक्षर, ध्यान से देखो, 2 अक्षर 1 से अधिक बार आया है। तो यहाँ पे देखो आप, इसमें ए है तो सिर्फ एक अक्षर आपका 1 से अधिक बार आया है। इसमें देखो तो इसमें आपका बी है, सिर्फ एक अक्षर आपका 1 से अधिक बार आया है। इसमें देखो आपका सी है और ए है, मतलब 2 अक्षर आपका 1 से अधिक बार आया है। तो स्तंभ 3 के बारे में बात हो रहा है, उस स्तंभ के मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो इस स्तंभ का मध्य में सी है, तो अपने लोगों का आंसर सी होगा और सी के लिए 3 होगा, तो आप लोगों का आंसर ये होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पंक्ति 2 में कौन सा एक ऐसा अक्षर जो पंक्ति 1 में नहीं है। पंक्ति 2 आपका ये है, इसमें कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 1 में नहीं है। तो इसका मैंने तरीका बताया था, पंक्ति 1 में नहीं है, सबसे पहले वो देख लो, ए नहीं है और ई नहीं है, तो 2 आपका पंक्ति 1 में नहीं है, और पंक्ति 2 में है तो पंक्ति 2 में तो ई भी नहीं है, तो ई के बारे में बात नहीं हो रहा। मतलब ए ऐसा अक्षर है जो पंक्ति 2 में है लेकिन पंक्ति 1 में नहीं है, ए के बारे में बात हो रहा है। वह अक्षर कौन सा पंक्ति में सबसे कम बार आया है। अब आपको ए के बारे में पता लगाना है कि यह ए कौन सा पंक्ति में सबसे कम बार आया है। तो आप ध्यान से देखो, पंक्ति 1 में है ही नहीं, पंक्ति 2 में आपका 3 बार है, पंक्ति 3 में आपका है ही नहीं, पंक्ति 4 में आपका 4 बार है और पंक्ति 5 में आपका 1 बार है। अब इस लाइन का मतलब समझने का कोशिश करो, क्या है, वह अक्षर कौन सा पंक्ति में सबसे कम बार आया है, मतलब आया है और सबसे कम बार। तो इसमें और इसमें मत समझ जाना कि इसमें 0 बार आया है, आया है और कम बार आया है। तो इसमें 3 बार आया है, इसमें 4 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, तो सबसे कम बार आया है आपका पंक्ति 5 में 1 बार। उस पंक्ति का मध्य अक्षर कौन सा है, तो उस पंक्ति का मध्य अक्षर आपका यही है। समझ में आया, इस पंक्ति का मध्य अक्षर आपका यही है, तो आपका राइट आंसर ए और ए के लिए 1, तो 1 आपका राइट आंसर। इसी तरह से आप लोग बोलोगे तो 5-10 लेक्चर में आपका टेबल टेस्ट का ला करके दे दूंगा हिंदी में, ताकि आपको टेबल टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक किस पंक्ति में कौन सा अक्षर 3 से अधिक बार लगातार आया है। तो पंक्ति 1 से लेके पंक्ति 5 तक में पंक्ति 4 को देखो, 3 से अधिक बार लगातार आया है। इस पंक्ति में इसके अलावा शेष बचा हुआ अक्षर कौन सा होगा, तो शेष बचा हुआ अक्षर होगा ई और ई के लिए 5। तो काफी लोग मैं देखता हूँ परेशान हो जाते हैं, इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि टेबल टेस्ट भारी है।
मैं बार बार बोलता हूँ, टेबल टेस्ट भारी नहीं है, गलत लिखा हुआ है जिस वजह से लगता है कि आपको भारी है। अब आप खुद देखो क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसान था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। 10-15 सेट बना लो, प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, खुद आप लोग स्कोर करके आओगे, फालतू में सोचो मत। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दाएं कोने से विकर्णवत चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे। तो नीचे दाएं कोना ये है ना, यहां से विकर्णवत चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे, उस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर होगा, वह अक्षर किस स्तंभ में है, उस स्तंभ में ज्यादा बार कौन सा अक्षर आया है। अब देखो, उस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर होगा, तो इसके बगल में है आपका अक्षर सी। यहाँ पे आप लोग सीख लेना, उस अक्षर के बगल में रहेगा तो हम लोग रो वाइज देखेंगे, पंक्ति वाइज ही देखेंगे, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। हम लोग बी है ना, तो बी के बगल में सी है, बी के नीचे में ए है, बी के दाएं में सी है, बी के बगल में सी है। तो बगल का मतलब देखो ऐसे समझो, ए है, बी है, सी है, तो ए के अगल बगल में कौन है, तो बी और सी है। ऐसे अगर रहेगा तो मैं बोलूंगा ए के अगल बगल में कौन है, तो आप बोलोगे बी और सी है, डी और ई नहीं बोलोगे। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ से सीखना है। तो उस अक्षर के बगल में कौन सा अक्षर होगा, तो सी। वह अक्षर किस स्तंभ में है, तो स्तंभ 2 में है। उस स्तंभ में ज्यादा बार कौन अक्षर आया है, तो स्तंभ 2 में ज्यादा बार आया है बी। तो राइट आंसर बी, और बी के लिए 2। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना। बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, के दाएं और से दाएं का मतलब समझो, के दाएं और से दाएं मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ था। से दाएं रहेगा तो जोड़ देना, इंक्लूड कर देना, शामिल कर देना, और के दाएं रहेगा तो एक्सक्लूड कर देना। बी के दाएं चौथा, तो बी के दाएं पहला, बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं तीसरा, और बी के दाएं चौथा। और अगर रहता बी से दाएं, तो बी से में बी को काउंट कर लेते हैं, बी से दाएं मतलब बी 1 हो जाएगा, सी 2 हो जाएगा। तो जैसे इस डी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो ये बी के दाएं चौथा है और बी से दाएं पांचवा है। से है तो बी को जोड़ दिए, और के है तो बी को हटा दिए। क्लियर? तो बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन है, तो बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर डी है। उस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर पर पहुंचे, इस अक्षर का विकर्ण है आपका ये, अंतिम अक्षर पे पहुंचे। उस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर, इस अक्षर का विकर्ण कौन है, तो इस अक्षर का विकर्ण है ये। तो इस अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर, तो इस विकर्ण का पहला अक्षर ये है, और दूसरा अक्षर ये है, तीसरा अक्षर ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो दूसरा अक्षर ए। तो ए के लिए आंसर आपका 1। ठीक है, किताब में शायद 3 दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज में तो गलत है, आपका 1 होगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से एक्सचेंज करने पर कौन सा अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, आप बताओ। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 इसको आप एक्सचेंज करोगे तो कौन सा अक्षर मेरा नहीं बदलेगा, तो आप बोलोगे सर ए नहीं बदलेगा, क्योंकि ये ए यहाँ जाएगा और ये ए यहाँ जाएगा तो बराबर रहेगा, उसके बगल में कौन सा अक्षर होगा। अब बताओ इस ए के बगल में कौन सा अक्षर है, तो इस ए के बगल में ये ए है, इस ए के बगल में ये ए है, इस ए के बगल में ये ए है, तो हम लोगों का आंसर ए ही होगा, और ए के लिए 1। ठीक है, कौन सा अक्षर में परिवर्तन नहीं होगा, तो ए, और ए के बगल में क्या है, तो ए। समझ में आया, ऊपर नीचे नहीं देखना है। चलो इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। पंक्ति 2 के दाएं चौथा अक्षर,
पंक्ति दो के दाएं चौथा अक्षर। तो दाएं चौथा अक्षर का मतलब क्या समझे, दाएं से नहीं दाएं, तो दाएं यहाँ पंक्ति दो है इसके दाएं यही हुआ, तो एक अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर पंक्ति दो के दाएं चौथा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, इसके नीचे पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर, फिर दाएं बढ़ते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे, फिर दाएं जाना है और वापस आपको इसी स्थान पर पहुंचना है। तो बोल क्या रहा है कि चौथा ए और पहला ई के बीच कौन सा अक्षर होगा, तो चौथा ए, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए और चौथा ए, चौथा ए और पहला ई, तो पहला ई आपका ये है, तो चौथा ए और पहला ई के बीच में दो अक्षर है, तो हम लोगों का क्वेश्चन गलत है। अगर यहाँ पे पहला के जगह, अगर यहाँ पे पहला के जगह दूसरा रहता तब हम लोगों का आंसर सही हो जाता, चौथा ए और दूसरा ई इसके बीच में सी, तो सी आंसर करते और सी के लिए थ्री करते। तो आपको बस मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में, तो आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत करना, एक बार में बनाना, जो आ जाए उसको आंसर करना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, आप लोग रीचेक मत करना नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा और लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। मैंने इसलिए ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया हुआ है, काफी बढ़िया टेस्ट सीरीज है, आप लोग खुद सोचो कि इतना ज्यादा बढ़िया टेस्ट सीरीज है कि इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं पूरे इंडिया में, किसका सर्वर ही स्लो है, लाख कोशिश करने के बाद भी सर्वर ठीक नहीं किया जा पा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज ये है। ओके, तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, 10 दिन बचा हुआ है, जो करना है जल्दी करो और जम के प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 8, पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में रखने पर दाएं से चौथा अक्षर पर पहुंचे। समझो ध्यान से, पंक्ति 5 दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, तो दाएं से पहला, दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से चौथा अक्षर पर पहुंचे। उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है, इस अक्षर के ऊपर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है उसके इर्द गिर्द चारों ओर, उसके इर्द गिर्द चारों ओर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, इसमें से सबसे ज्यादा कौन आया है, तो सबसे ज्यादा आपका सी आया है 4 बार, तो आंसर हो जाएगा सी और सी के लिए 3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से अदला बदली करने पर स्तंभ 5 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। स्तंभ 5 का चौथा देखो कौन है, स्तंभ 5 का चौथा आपका 1, 2, 3, 4 ये है, और आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से अदला बदली। तो एक बात बताओ, 3 को और 5 से अदला बदली करेंगे तो इस पे और इस पे कोई भी फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं मतलब है, मुझे ये पूछा गया है तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो मेरा आंसर होगा ई और ई के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10, वह कौन सा अक्षर है जो पूरे तालिका में 7 बार आया है। तो आप काउंट करो, ए को देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ए नहीं है, सी को देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सी आया है 7 बार, और पंक्ति 5 में उस अक्षर के ऊपर, तो पंक्ति 5 में सी को देखो यहाँ पे है सी, उस अक्षर के ऊपर तुरंत कौन सा अक्षर है, तो इसके तुरंत ऊपर है ए, तो मेरा राइट आंसर होगा ए
और ए के लिए 1। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन आपका रहेगा। अब आप ही लोग बताओ कितना आसान है टेबल टेस्ट, फालतू का परेशान हो जाते हो, ठीक है। और कमेंट करके बताना समझ में आया या नहीं आया, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ या नहीं हुआ। और टेस्ट चाहिए आपको तो कमेंट करना, मैं 4-5 टेस्ट आपको और दे दूंगा, ठीक है। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको RRB NTPC का तैयारी और ग्रुप डी का तैयारी हिंदी में करवाया जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।